के बजे हैं 8 और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पीछे क्या हो रहा है। ये सुबह से खांसी जुखाम और पूरा का पूरा बॉडी पेन इसको चल रहा है, तो अभी डॉक्टर सर से बात करी है। डॉक्टर आजाद है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि ओपीडी में लेके आओ, मैडम को दिखाते हैं, उनके कुछ जरूरी टेस्ट होंगे तो वो भी करवा देंगे। तो अभी करीबन 2 बजे तक के आसपास तक रहेंगे वो अपने क्लिनिक पे। अभी ये जो सीज़न चेंज है ना, इसमें थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो जाता है। फिलहाल तो मुझे भी हो रहा है, मैंने तो एक रात को सीनारिस ली थी, उससे मुझे आराम हो गया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी पूरा बॉडी पेन और दिक्कत अभी ज़्यादा है, तो एक बार वहाँ पे भी दिखा लेते हैं, उसके बाद में फिर दवाई वगैरह शुरू कर लेते हैं। निकल चले हैं डॉक्टर आजाद के पास, अब देखते हैं कितनी सारी दवाइयाँ वो हमें लिख कर देने वाले हैं और मुझे खानी पड़ेगी। और कुछ नहीं है, मुझे तो दवाइयों से बड़ा डर लगता है, मेडिसिन मुझसे बिल्कुल नहीं ली जाती, बस मजबूरी जब पड़ती है तभी लेनी पड़ती है, नहीं तो जब लगता है ना कि हाँ ओके आयुर्वेदिक पे काम चल जाएगा तो फिर मैं देसी घरेलू नुस्खों पर आ जाती हूँ। चलो गाड़ी हो गई लॉक, हमें यहाँ जाना है इस तरफ, डॉक्टर आजाद इसी तरफ मिलेंगे। चलो इस तरफ। आजाद साहब की गाड़ी ZX से है। डॉक्टर आजाद से मिले, बता दीजिए दिग्विजय, दिग्विजय है, दिग्विजय। बिल्कुल बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास सर। आप सुनाओ कैसे हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो आप। बैठो सर, तुम बैठो, आप पहले मरीज को देखो, अपनी बातें बाद में करेंगे। बैठ जाओ। वैसे तो नहीं, पहले मैं दिखा दूँ, देखो ये सारी ट्रॉफीज़ हैं जो डॉक्टर साहब को मिली हुई हैं। यहाँ पे बैठते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है। बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर्स को, ऐसे में एक अच्छा डॉक्टर मिलना ज़रूरी होता है सभी को, क्योंकि मैं समझता हूँ मेडिकल लाइन, मेडिकल और खाना, ये सबका समान अधिकार होता है, ये एक बेसिक नीड्स होती है जो सबको देनी चाहिए, मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, मैडम, अभी रास्ते में आते आते भी 5 बार 6 बार तो जैसे आराम कर दिया उसने। तो डॉक्टर साहब, अभी प्रॉब्लम क्या है मैडम को? ये जस्ट कॉमन कोल्ड एंड फ्लू है ना, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे जो है, हम ये पेन किलर्स वगैरह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे प्लेटलेट जो है कम होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए अभी जो है सिम्टोमेटिक ही इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपका चैनल भी देखा है, उसमें यही चीज़ दिखाई देती थी ना हमेशा, आप इस तरफ पहले आपका बना हुआ हो, क्योंकि आप हमेशा इसी तरफ से वीडियो बैठ के बनाते थे। बता दूं दोस्तों, डॉक्टर साहब का एक चैनल भी है डॉक्टर आज़ाद के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद अब मैं अपना बना रही हूँ पुलाव, फटाफट से बैठ कर मैंने सारी सब्जियाँ काट ली हैं, और थोड़ी सी आपको वो रेसिपी भी दिखाती हूँ। पुलाव में जाने वाला है बीन्स,
हरी मिर्ची, ऑनियन, पोटैटो, कैरेट, कुकुम्बर, टमाटो एंड पीज। और ये मैं बना रही हूँ कुछ डिफरेंट स्टाइल में, तो देखना पूरी वीडियो कि क्या क्या इसमें और किस तरह इसमें बना रही हूँ। आधा चम्मच लिया है मैंने ये घी, देसी घी में इसको बना रही हूँ। इसमें अभी मुझे सारी वेजिटेबल हल्का सा सोटे करना है। सबसे पहले ऑनियन, अभी इसके अंदर बीन्स और कैरेट भी डाल चुकी हूँ। अब इसमें खीरा भी ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का सा सेम कुक करना है बस। अब सब्जियों के हिसाब से मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक। अब टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब बस तो एक मिनट में इसको चलाऊंगी और फिर ये सारी सब्जियों को कुकर से बाहर निकाल लूँगी। कुकर में से सारी सब्जियां निकाल ली है। अब इसमें थोड़ा सा जो ऑयल बचा है इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। अब सबसे पहले जो बचा हुआ घी था उसके अंदर थोड़ा सा जीरा, हींग, मटर, हरी मिर्ची और आलू कटे हुए डाल दिए हैं। अब बस मैं इसमें सीधे राइस छोड़ूंगी। अब इसके अंदर राइस डाल दिए हैं। अब राइस के अकॉर्डिंग इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। सब्जियों में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है थोड़ा सा रेड कलर चिली पाउडर और बस इसको एक सीटी आने तक इसको बंद कर देंगे। कुकर का लगा दिया है ढक्कन और जो हमने पहले सेमी कुक करके जो सब्जियां निकाली है वो ये। एक सीटी आने के बाद अब मैं इसकी गैस जो है एक्स्ट्रा वो निकाल देती हूँ और ये कुक हो गए हैं राइस। अब इसके अंदर ऐड होंगी ये वेजिटेबल्स और अब ये साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब ये पुलाव बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुका है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अभी अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ।